स्पाइसजेट जल्द ही लक्षद्वीप के साथ साथ अयोध्या के लिए भी उड़ानें शुरू करेगी। इसके प्रमुख अजय सिंघदिया की नवीनतम फंड इन्फ्यूजन से एयरलाइन को और अधिक मजबूत बनने में मदद मिलेगी। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए सिंह ने यह भी कहा कि वह एयरलाइन को विकसित करने के लिए 2250 करोड़ रुपए के फंड का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेगी। फ्लीट ट्रैकिंग वेबसाइट प्लेनस्पॉटर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी तक स्पाइसजेट के पास परिचालन में 39 विमान थे, जबकि 26 जमीन पर थे। सिंह ने बुधवार को शेयरधारकों से कहा कि एयरलाइन के पास लक्षद्वीप के लिए सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत विशेष अधिकार है और वह जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी हवाई सेवाएं शुरू करेगी। भारत और मालदीव के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच एयरलाइन प्रमुख का लक्षद्वीप उड़ानों का जिक्र भी आया है। लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ उपमंत्रियों द्वारा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई। इसके बाद कुछ उद्योग निकायों के साथ साथ यात्रा बुकिंग प्लेटफार्मों द्वारा मालदीव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है, जो 2019 की महामारी के बाद भारतीय अवकाश यात्रियों के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा था। इस बीच सिंह ने वार्षिक आम बैठक में कहा कि नवीनतम फंड निवेश से स्पाइसजेट देश में एक मजबूत और अधिक लचीली एयरलाइन बन जाएगी और साथ ही कंपनी के लिए खुले बाजार की संभावनाएं और अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ताज़ा पूंजी निवेश से इसके ग्राउंडेड विमानों को परिचालन में वापस लाने में मदद मिलेगी। इन खबरों के बीच कि इसके अल्पसंख्यक इक्विटी पार्टनर और वैश्विक विमान पट्टेदार कारलाइन एविएशन पार्टनर्स ने स्पाइसजेट और इसकी कार्गो शाखा स्पाइस एक्सप्रेस का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। सूत्रों ने कहा कि एयरलाइन को कारलाइन का जोरदार समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इकाई एयरलाइन और स्पाइस एक्सप्रेस में गहरी दिलचस्पी ले रही है। पिछले साल कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स ने स्पाइसजेट में 7.03% हिस्सेदारी खरीदी थी।